चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति और तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। ये ब्रह्मा जी के वचनों का उदाहरण दिया कि इसमें कोई समय बांधा नहीं, सब समय में जपो और सब जपो। गोस्वामी जी महाराज ने तो हद्दी कर दी नाम की महिमा, उनका नाम ही राम बोला, जन्मते ही राम उच्चारण किया उन्होंने और जप करके उन्होंने देखा और अनेकों के सामने नाम का प्रभाव प्रकट करके दिखाया। लौकिक अलौकिक सर्व सब तरह की शक्तियों का उन्होंने प्रदर्शन कर दिया कि भाई इसमें शक्ति है, ऐसा लोगों के सामने प्रकट करके बता दिया और बड़ी भारी महिमा लिखी। और जहां महाराज विशेष मस्त हो जाते हैं वहां नाम की महिमा करते हैं और नाम की महिमा गाते गाते मस्त हो जाते हैं। दोनों ही बातें गोस्वामी जी की वाणी में देखने में आती है। नाम की महिमा कहने लगते हैं तो बस कितने इतने चले जाते हैं, अरे काम कहाँ लगी नाम बढ़ाई, अरे राम न सकहिं नाम गुण गाई। अपने खास इष्ट देव भगवान श्री राम उनको भी इसकी महिमा कहने में असमर्थ बता देते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई राम न सकहिं। राम जी नाम गुण गाते नहीं, ऐसा नहीं कहते, राम जी भगवान नाम गुण की महिमा को गा सकते ही नहीं, सर्व समर्थ प्रभु नाम की महिमा कहने में असमर्थ। अपने इष्ट देव को असमर्थ बता देना कोई मामूली बात, फिर नाम भगवान तो असमर्थ हो गए। अरे असमर्थ किस विषय में, कि नाम की महिमा की इयत्ता हो, उसकी सीमा हो और उस सीमा को भगवान न कह सके तब तो हुए असमर्थ। जो महिमा ही अनंत असीम है, अब उसकी महिमा को पूरी न कह सके तभी तो भगवान की सर्वज्ञता है, धैर्य अंत उसका तो अंत आवे कैसे। अनंत को अनंत मानना ही सर्वज्ञता, अगर अंत करने की चेष्टा करे तो सामर्थ्य आपको अपने अल्पज्ञता आ जाए, तो सर्वसमर्थता के साथ में सर्वज्ञता भी तो है। विश्वास राम न सके नाम गुण गाई, नाम की अपार महिमा असीम महिमा। भाइयों बहनों सीधा उपाय है कलयुग में, तो चहु जुगा चहु श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं आन उपाव। चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव, परंतु कलि विशेष कलयुग में नाम की महिमा विशेष। क्यों नहीं महिमा है विशेष, कि जितने भी साधन है सब साधनों की शक्ति नाम महाराज में आकर केंद्रित हो गई, ये प्रभु ने कृपा कर दी। विश्वास तत्रार्पिता सर्वशक्ति तत्रार्पिता, सबकी सब शक्ति इसने अर्पित की। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवत नाम का सहारा लेना चाहिए भाई, और सब जप सकते हैं सभी इसके अपने इसके अधिकारी। संतों ने कहा जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर और तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर, सबका उगा शीर। अरे सुमिरत सुलभ सुखद सबका हूँ, सुमिरत सुलभ राम 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 कितना सुख। हमने एक सज्जन को देखा जिसे ये लकवा मार गया था, उनको कोई नाम कहते तो हर एक नाम उच्चारण नहीं कर सकते, राम वो कह सकते थे, राम राम कह सकते थे। मैंने कहा भगवान ने आपके बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि संसार का झंझट छूट गया लकबे में पड़े हो इसलिए कोई आशा नहीं रखता। और मौन लेकर के साधुओं में हम लोगों में कोई बहनों माताओं में भी मौन लेकर भजन करते हैं तो दूसरा बोलते नहीं राम बोलते हैं, तो भगवान ने मौन भी आपको दे दिया, नाम उच्चारण कर ही सकते हो, कितनी मौज की बात, राम 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 किए जाओ। तुम्हारा नाम है इसमें कोई भी जप करे सबके लिए सुमेरा तो सुलभ और सुखद सबका, और सबका वो सुखद, किसी जाति का किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी वेश का किसी संप्रदाय का कोई क्यों हो, बड़ा बड़ा हो छोटा हो बालक हो बूढ़ा हो बहन हो भाई हो, सब भगवान नाम के अधिकारी। और तो गिरावा अशुद्धि शुद्धि हरेक अवस्था में भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान नाम में इतनी बात नहीं। वैदिक मंत्रों का बड़ा प्रभाव,
परंतु महाराज बिना यज्ञोपवीत के बड़े बड़े पंडितों के लड़के भी वेद के मंत्रों के अधिकारी नहीं, और शुद्ध होकर जपो वो भी अशुद्ध अवस्था में नहीं। और तो इसमें तो सभी अधिकारी सब अवस्थाओं में अधिकारी। भगवान नाम जप में शुद्धि अशुद्धि का विचार न करना, आ जाए तो मन से जपते रहना, छोड़ना नहीं, न तो बड़ी एक हानि की बात हो जाएगी। ये भाव रहेगा तो अशुद्ध अवस्था में भगवान नाम नहीं लेना, कहीं संस्कार पड़ जाएगा तो अंत समय भगवान के नाम का जप होना बड़ा कठिन होगा। कहते क्यों? अचानक तो कोई से मरते हैं उसको तो सावधानी नहीं रहती, और जो बीमार होकर मरते हैं तो उसमें शुद्धि रहती नहीं, और अशुद्ध अवस्था में नाम लेना नहीं, तो अंत में तो आना जयराम जी आएगा ही। विश्वास से भगवान नाम तो हर अवस्था में लेना, शुद्ध और अशुद्ध हर समय राम 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 राम, ये तो लिए ही चले जाओ, ये बहम ही नहीं रखना, कभी अशुद्ध अवस्था में नहीं लेना। और बहम हो दूसरों सुनने में, सुने दूसरे कहीं आपको भारी लगे तो भीतर भीतर से जप उपांशु जप करने लग जाओ, आवाज कुछ नहीं और नाम लिए जाओ, अथवा मन से जपो, छोड़ो मत नाम। रसना से रतबो करे राठू पर अभंग, रामदास उस संत का रामन छाड़े संग। जो हर समय नाम का जप करता है, नाम का त्याग नहीं करता, तो भगवान उसका त्याग नहीं करते, वे हर समय उसके साथ रहते। इस वास्ते भाइयों बहनों, ये सार चीज है सब समय के लिए। चौंजुग संस्कृति बताया ना, सब में नाम की मेहना बन कली विशेष। नहीं कली कर मन भगति विवेकु, ये राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी महाराज कहते कितनी सुंदर सरलता से कितनी बड़ी बात कह देते हैं। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये तीन कांड है वेदों में, लाख मंत्रों के बताते हैं, जिसमें 6,000 मंत्र सुनते हैं कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 मंत्र वेदों के, ज्ञान कांड के, ऐसे कहे जाते हैं। ऐसे वेदों के मंत्र है, उन वेदों में तीन कांड है। गोस्वामी जी कहता कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, कलयुग में न तो कर्मकांड का सांगोपांग अनुष्ठान होता, नहीं कली कर्म न भगति, और नहीं उपासना कांड का ठीक सांगोपांग अनुष्ठान हो सकता, और विवेकु न ज्ञान कांड का। इनों में भी हमारी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए जैसी विधि पूर्वक नहीं हो सकती, नहीं कर सकते, ना उतनी विद्या है, ना बल है, ना उतनी अवस्था है, ना उतना ज्ञान है, ना उस बात है नहीं वैसी योग्यता। तो नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, तो राम नाम अवलंबन एकु। ये भगवान का नाम एक ही अवलंबन है, इसको आप परस पालन करो सब कुछ आ जाएगी। रामदास सुमरण करो रिद्धि सिद्धि या के माँ, इसमें इसके भीतर रिद्धि और सिद्धि सब भरी है। अगर सिद्धियां भी चाहो तो सब सिद्धियां नाम महाराज में भरी हुई है, रिद्धि चाहो तो सबकी सब इसमें भरी हुई है, धन संपत्ति आदि ये भी सब भरी हुई है, और अनेक चमत्कार भी नाम में भरे हुए हैं। इस नाम का प्रेम पूर्वक जप किया जाए, उठते बैठते जागते सोते हर समय। बहनों माताओं, ये अभ्यास करते हुए अपनी एक आदत बना लो कि हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, हरिया दृष्टि साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम और मुख राम है, हाथों से काम धंधा होता रहे, राम 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 राम, मुख से नाम का जप हो रहा है, हृदय सांची प्रीत, हृदय सच्चा भगवान में। जो कई दफे आपसे कहा है कि भगवान का समझकर काम करते रहें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते रहें, मन में तो वो आनंद है कि भगवान का काम कर रहे हैं और जवान से भगवान का नाम ले रहे हैं, चिंतन प्रभु का हो रहा है, उससे स्नेह है। तो ये गृहस्थी होते हुए संत है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, हरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत, बढ़िया रीत। इस बात राम 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 भगवान के नाम का जब हर समय चला। गोस्वामी जी महाराज ने तो हद कर दी, बड़े बड़े संत हुए हैं, अभी कलयुग में जितने संत हुए हैं, संतों ने बहुत ज्यादा कृपा करके ये नाम दुनिया को बता दिया, और उन्होंने रचा इसको। राम नाम के संत दास दो अंतर धग धूण, यह तो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन, कौन बताता है ऐसी रहस्य की बात अपनी, खास जिससे अपने को सिद्धि मिली, महान पद मिला,
प्रगट में महत्व जिसने प्राप्त किया, ऐसे अपने हृदय की बात बताता कौन है। ये तो महान दया करके संतों ने कह दिया, भाई तुम भी जपो, लिए जाओ भगवान का नाम। बहुत ज्यादा संतों ने कृपा करके उपदेश देना शुरू कर दिया तो उनके तो आई अत्यधिक दया, परंतु लोगों में महाराज थोड़ी अश्रद्धा पैदा होगी। ये तो सभी राम राम तो सभी करते, अरे सभी करते हैं, वो चीज कमजोर हो जाती है क्या? ये तो रोटी तो खाओगे, रोटी तो सभी खाते हैं, जल पियोगे, जल तो सभी पीते हैं, तो छोड़ दो फिर, ये कोई युक्ति है? ये तो नाम तो सभी जगते। अरे भाई निहाल करते लोग और पर लोग दोनों,